Hey guys, welcome back to my channel. Workout series में जो दूसरा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है pull-ups. This is gonna be a very small video but very informative. इसमें कोई भी weights use नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ technique use करेंगे और अपना खुद का body weight use करेंगे. So बहुत ध्यान से सुनिएगा, it will be really easy for you. अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए pull-ups मारना बहुत easy हो जाएगा. Pull-ups बहुत ही important role play करता है हमारे back एक्सरसाइज के दिन. जिस दिन हम सारे बैक वर्कआउट करते हैं उस दिन अगर आप अपने पुलअप्स मारेंगे तो आपका बैक, पूरा बैक एक साथ काम करता है. ये आपकी सिमेट्री एंड वाइडनेस एंड स्ट्रेंथिंग सब पे काम करता है. मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रिप कितना दूर रखना है, आपको अपना बॉडी पॉस्चर, आपका अपना अलाइनमेंट कैसा रखना है. ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं अगर आपको अपने पुलअप्स में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जैसे कि मैं बता चुका हूं कि पुलअप्स आपके ओवरऑल बैक मसल के लिए बेनिफिशियल है, बॉडी वेट एक्सरसाइज में बेस्ट है. आपके बाइसेप भी सेकेंडरी मसल की तरह काम करते हैं. आपको इसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको लिटरली कहीं पे भी कर सकते हैं. आप पार्क में कर सकते हैं, इसको अपने घर के टेरिस पर कर सकते हैं. रिसर्च यही बोलती है कि पुलअप्स लैट पुल डाउन से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. सो हाउ टू यूज़ अ पुलअप्स एक्सरसाइज टू मैक्सिमाइज योर ओवरऑल बैक डेवलपमेंट. इसमें कौन कौन से मसल यूज़ होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ. इसमें सबसे पहले होता है शोल्डर रिडक्शन, जिसमें हमारे लैट्स, रोम्बॉइड्स एंड टेरिस मेजर यूज़ होते हैं. फिर इसमें होता है एल्बो फ्लेक्शन, जिसमें हमारे बाइसेप्स एंड ब्राक्यू रेडियालिस यूज़ होता है. और साथ ही साथ इसमें होता है स्कैपुलर डिप्रेशन, जो हमारे लोअर ट्रैप्स पर काम करता है. अपने हाथों को 90 डिग्री एंगल बनाएं फ्रॉम शोल्डर एंड एग्जैक्टली उतने ही विड्थ पे बार को ग्रिप करें. अगर आपको थोड़ा वाइड ग्रिप करना है तो आप अपने शोल्डर से 1.5 टाइम्स वाइड ग्रिप कर सकते हैं. आपकी ग्रिप मोस्टली ओवरहेड प्रोनेटेड ग्रिप होगी. ज़्यादा वाइड ग्रिप नहीं करना है, उससे रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है. ये एक रीज़न है कि ग्रिप शोल्डर से ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है. ऑलवेज स्टार्ट विद स्टैंडिंग ऑन हाइट रेदर देन जंपिंग एंड होल्डिंग अ बार. उससे आपको झटका नहीं लगेगा एंड आपकी बॉडी कंट्रोल में रहेगी. प्लस आपका ग्रिप भी अनइवन नहीं रहेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट पुल करने के पहले स्कैपुला को डिप्रेस करना है एंड ऊपर जाना है. पुल करते टाइम आपको अपने एल्बोज को लैट्स की तरफ स्क्वीज करना है, जिससे कि वो फ्लोर की तरफ पॉइंट करे. कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पुलअप्स. कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पुलअप्स नहीं मारना आता है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है एंड प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद असिस्टेड पुलअप मशीन. स्टार्ट में हैवी से चालू करिए, फिर धीरे धीरे वेट स्टैक को लाइट तक ले जाइए. अगर आपके जिम में असिस्टेड पुलअप मशीन नहीं है तो आप रेजिस्टेंट बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं. और ध्यान रखें कि आपका बॉडी स्टेबल रहेगा. पुलअप करते टाइम बॉडी मोमेंटम पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आप बेकार में मेहनत करेंगे. एंगेज योर कोर ऑलवेज एंड पुल योरसेल्फ ऑल द वे अप टिल योर चिन क्रॉसेस द बार. डोंट डू हाफ रेप, इट्स ऑफ नो यूज़. सो टू समराइज द वीडियो, पुलअप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना मोमेंटम कम से कम रखना है, ज़्यादा स्टेबिलिटी रखना है, एंगेज करना है सारे मसल्स को, कॉन्सेंट्रेट करते हुए ऊपर जाना है. उसी से आपका प्रोग्रेस फास्ट होगा एंड आपका परफेक्ट एग्जीक्यूशन आएगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए ऐसे किसी दोस्त के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो. अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपकी मैंने किसी भी तरह की हेल्प करी हो या आपको कोई भी तरीके का डाउट क्लियर किया हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन द वीडियो. ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है. प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो मी देयर एज़ वेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी. टेक केयर.